हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेवीजू का पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, कि मैंने उसमें बताया है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो और किस तरह से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसीजर बता रखा है। तो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को देखिए। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जेवीजू के अंदर कि आप किस तरह से प्रोफाइल की सेटिंग को कर सकते हैं और किस तरह से टेक्स्ट फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो का अपडेट भाई का मिल जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट फेस उसकी तरफ, जेवीजू पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम जेवीजू की साइट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। jvzoo.com हमारा खुल चुका है यहाँ पर। ये हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड खुलने वाला है। देखिए, मेरा पहले से ही लॉगिन है यहाँ पर। अब हमें जाना है, ये मेरा नया ही अकाउंट है अभी। ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर खुल चुका है। अब हमें सेटिंग करनी है अपने इसकी। हम जाएंगे माय अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत आप फिल कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी इसको फिल करना है। देखिए, यहाँ पर मेरे ये आ चुकी है, यहाँ पर मेरी आईडी दिख रही है, यहाँ पर मैंने बायोडाटा यहाँ पर सब लिख रखा है। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट करके फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिल आउट फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ZDPR चाहिए तो आपको इसको हम यस कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर फिल कर रखा है। आप भी इस तरह से इसको फिल करके और सेव माई ऑफिसर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमें फिर अपने माई अकाउंट पर जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप फिल कर दें, यही सेम वही है। यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब इसी तरह से हमें ये वाला फॉर्म फिल करना है रेगुलेशन का। यहाँ पर भी देखिए, हमें इसको यस करना है। आपका नहीं होगा तो आप इस तरह से यस करके इसको फिल कर लें। यहाँ पर हमने इसको फिल कर लिया। अब आता है हमारा ये टैक्स का फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, हमें पेमेंट किस तरह से लेनी है इसकी सेटिंग जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वैसे ही लगा रखा है, आप भी लगा लें। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल, फेसबुक आईडी डाल दें अपनी, जो आपकी फेसबुक आईडी है, स्काइप आईडी, यहाँ पर अपना बायोडाटा लिख दें। यहाँ पर रिसीव ईमेल आप वीकली चाहेंगे, ये कैसे इसको यस कर दें अपने हिसाब से, ये की है इसको जनरेट कर दें। यहाँ पर सेल्स पेज ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दे सेल्स की जो आएगी, और कमीशन अप्रूवल यहाँ पर ऑन कर दे, कार्ट अबेंडमेंट इसे यस कर दे, इसको भी यस कर दे, और यहाँ पर शेयर विद एफिलिएट लिंक इसको यस कर दे, और फॉर एफिलिएट कमीशन डीले अप्रूवल प्रोडक्ट इसको भी यस कर दे, और वेंडर एनेबल द जेवीजू और प्रोडक्ट इसको भी यस कर दे या नो कर दे, अपने केस में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आता है जेवीजू पे, आप ऑटोमेटिक लेंगे या मैनुअल? हम मैनुअल लेंगे। कितने पे लेंगे? $50 पे, $100 पर, तो यहाँ पर 50 कर दें। पेमेंट आप किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? नॉन पेयोनियर पेमेंट। अगर आप चाहें तो मैं पेयोनियर के अकाउंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकता हूँ, तो हम इसका भी बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर यस कर दें, रिसीव द एफिलिएट सेल्स नोटिफिकेशन, जैसे ही सेल होगी तो हम इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें सेव कर देना है। अब हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब हमें फिल करना है यहाँ पर
सॉरी, ये यहाँ पर हमें टैक्स का फॉर्म जो है वो फिल करना है। यहाँ पर हम टैक्स का फॉर्म फिल करते हैं। अब यहाँ पर जरा इसको देख ले, यूटिलाइज ऑफ द एफिलिएट रिक्वायर द कंप्लीट एप्रोप्रिएट टैक्स ऑन योर अकाउंट सेटिंग, यूएस एफिलिएट और इंटरनेशनल एफिलिएट। यहाँ पर ये दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्म है जो हमें ये वाला फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, हम अकेले काम कर रहे हैं। अगर हम पार्टनरशिप में काम करते तो हमें ये वाला फॉर्म फिल भरना कर भरना होता, तो हमें ये वाला फॉर्म फिल करना है। लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों फॉर्म खोल लिए हैं। यहाँ पर ये हमारा इंडिविजुअल का है और ये हमारा यहाँ पर पार्टनरशिप का है। जॉन सा आपके केस में हो, आप इसको यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं पढ़ पढ़ कर। तो हमारा यहाँ पर ये वाला फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अपना नाम इंडिया जो भी है यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर इंडिया, मेलिंग एड्रेस अगर है तो यहाँ पर सिटी विटी सब कुछ फिल कर दें। फ्रेंड यहाँ पर हमने अपना भर्ती आज भर चुका है सब कुछ। अब आता है इसके बारे, अगर आप यूएस टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर इसका नंबर डालें वरना इसको छोड़ दे। अब आता है यहाँ पर फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है फॉरेन टैक्स के हिसाब से। यहाँ पर डाल दें। यहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर, हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और यहाँ पर ऑनर का नाम जो आपकी कंट्री है, यहाँ पर इंडिया है हमारी कंट्री, पर आपको 12 करना है आर्टिकल पैराग्राफ 12, यहाँ पर 10 कर दें। और यहाँ पर आपको एडिशनल कंडीशनल एक्सप्लेनेशन पर यस कर दें और यहाँ पर अपना नाम लिख दें। यहाँ पर नाम लिख के इसको सबमिट कर दें। यहाँ पर ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, हमारी एरर आ चुकी है, देखना पड़ेगा क्या एरर है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने भी छोटा इसमें भर रखा है, इसलिए यहाँ पर मेरा सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ कर फिल कर देना है। तो क्योंकि मेरा ये फेक अकाउंट है भी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इस तरह से भर कर दिखा रहा हूँ और इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, जिससे कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाए। चाहे तो आप यहाँ से इसके इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हैं। और इसी तरह से इस वाले फॉर्म को आपको अपना नाम दे देना है यहाँ पर, आपका किस तरह से आपका है, पार्टनरशिप में है, गवर्नमेंट है, सिंपल है, सिंपल पर क्लिक कर दे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कर दें। यहाँ पर इफ यू आर डिस्चार्ज पार्टनरशिप द सिंपल ट्रस्ट ऑफ द ट्रेडली क्लेम यस, यहाँ पर यस कर दे। यहाँ नंबर 5 पर जो आपके हिसाब से ऐसे यहाँ पर आप फिल कर दें। यहाँ पर अपना एड्रेस, यहाँ पर अपनी मेल एड्रेस सॉरी मेल इंडिया, और फिर यहाँ पर आपको अपना यूएस का है तो डाल दें, और यहाँ पर अपना पैन कार्ड डाल दें, और यहाँ से इसको छोड़ दें, हमारा पैन फॉरन के नहीं है, और यहाँ पर अपना रेफरल नंबर डाल दें, और यहाँ पर आप अपना यूएस ब्रांच जो भी है आपकी, या आप इंडियन हैं यहाँ पर क्लिक कर दें, और फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। और इफ ये हमारे पे हमें दे रखा है ऑप्शन में यहाँ पर इंडिया, और यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर इसको भर दें। यहाँ पर ऐसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा जो भी है, इसको यहाँ पर आप कर दें। तो हम यहाँ पर कुछ शो नहीं करना चाहते, यहाँ पर पैराग्राफ 12
और जो चेक नाउ करके यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कुछ नहीं नो कर दें यहाँ पर, और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें यहाँ पर। यस, आपको ये फॉर्म पूरा से अच्छे से फिल करना है पढ़ पढ़ के, और सिग्नेचर करके यहाँ पर टिन हो टिन डाल दे अपना जो भी है, इसको अच्छे से यहाँ पर फिल कर दें। बहुत बड़ा फॉर्म है ये। अब चलते हैं हम अपने, यहाँ पर आप इसके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, आपको ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है वहीं पर आपको ये शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम चलते हैं जेवीजू पे पर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड हो जाएगा, यहाँ पर हमारी कमीशन और पेड सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है ऑथोराइज्ड पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल हमारी शो हो जाएगी, यहाँ पर हमारा इनवॉइस, यहाँ पर इनवॉइस में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। कस्टमर फिल्टरिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा जिसे भी आप यहाँ पर कॉन्फिग करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं पेपल से जो भी है। यहाँ पर हमारा बिलिंग जो हमें कटेगा जो यहाँ पर हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पर कस्टमर फिल्टरिंग हम कर सकते हैं, और इसकी सबसे एक अच्छी बात बात यह है कि आप यहाँ पर एड भी क्रिएट कर सकते हैं इस प्रोग्राम की, आप अपने उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको पब्लिक प्रोफाइल शो होगी, प्लगइन भी इसका दे रखा है, आप अपने साइट पर इसका ऐड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है, देखिए यहाँ पर हमें ऐड हो शो हो रहा है, और ये बोर्ड करके आप अपनी साइट पर लगा सकते हैं। आपको जाना है हेडर में जाके इसको पेस्ट कर देना है हेडर इंसर्टर पर। अगर आपको जानना है कि जिस तरह से हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो है, यहाँ पर हेडर लिखेंगे आपको तो यहाँ पर ये वाली वीडियो शो हो जाएगी। यहाँ पर मैंने बता रखा है किस तरह से आप हेडर में इसको पेस्ट कर सकते हैं कोड को, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। यहाँ पर ये आप पब्लिक प्रोफाइल शो हो जाएगी, इसको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे यहाँ से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एपीआई एप्लीकेशन प्लगइन एवेबर फ्लिप कैट रिस्पॉन्स, यहाँ से ही आप इसको जोड़ सकते हैं जेवीजू प्लेटफॉर्म के साथ। यहाँ पर आप इसका प्लगइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर डायरेक्ट, यहाँ से आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसे भी आप इंस्टॉलेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट इसकी प्रोग्राम की यह है कि आप यहाँ से टॉप 10 प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, जो साइट है यहाँ पर मंच आई, यहाँ पर जाएं डालें, पहले उस पर क्लिक करते ही ऐसे एक डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं, हर चीज यहाँ पर लॉन्च होती है। यहाँ पर देखिए बिग लॉन्च जो होने वाले हैं 24 मई को, मई को 31 मई को, और जो लॉन्च हो चुके हैं वो यहाँ से आप इनका लिंक ले सकते हैं बड़े ही आराम से। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ जेवीजू का, ये यहाँ पर हम एक सेल पेज है, यहाँ से आप इसका सेल्स पेज को देखें, ये अभी वर्ल्ड प्लस का है, आपको यहाँ पर देखना है ये वो डब्ल्यू प्लस है, ये जेवीजू इसके हैं, वर्ल्ड प्लस के ये दूसरे इसके हैं। यहाँ पर हमें जेवीजू ये प्रोडक्ट लेने हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर शो हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये सेल्स पेज है इसका, ये जेवीजू है, ये निश हमारी सॉफ्टवेयर हो गई है। यहाँ पर आप इसके बारे में ले सकते हैं, यहाँ से आप कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा इस साइट से। देखिए हमारे सामने एक पेज खुल चुका है, यहाँ से आप जेवीजू का भी ले सकते हैं, वर्ल्ड प्लस का भी ले सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो लिखना है मैंने अपने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, यहाँ से आपको कंफर्म पकड़ कर रिक्वेस्ट अप्रूवल ले सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया है पहले वीडियो में, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है, तो फ्रेंड इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।